चार ऑर्बिटल मिक्स होंगे ना, तो चार ऑर्बिटल मिक्स होने से क्या होगा कि भाई इसमें ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा। जितना ज्यादा ऑर्बिटल मिक्स होता ना उतना, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का मतलब होगा बॉन्ड फॉर्मेशन। और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियसली बात है, फिर कहेंगे भाई बॉन्ड फॉर्मेशन है, अच्छा ठीक है ये भाई बॉन्ड फॉर्मेशन बनने किया, तो यहाँ पर तो इसका ओवरलैपिंग नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, उधर प्लस था, तो तीन ऑर्बिटल, इधर दो ही ऑर्बिटल का एनर्जी लिबरेट बता पाएंगे अपन। कहेंगे अच्छा ये दोनों और ये दोनों चार नहीं हो गए, तो अपन मना कर देंगे, ठीक है ना। अपन क्या कहेंगे, नहीं नहीं मानूंगा तो मैं यही, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड उधर, लेकिन इधर तो तीन ऑर्बिटल का मिक्सिंग है। अगर दो अलग अलग ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो और तीन एक साथ ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो तो उसमें ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा हमेशा, ठीक है भाई। और अगर मैं ऐसे लिखूं तो मान लो मैं ऐसे करूं, ऐसे ऑर्बिटल्स हैं अपने पास, ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो अपन कहेंगे बस ये दोनों ही ओवरलैप करेंगे और कोई ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों? बीच में ये माइनस ना तो यहां से ओवरलैप कर सकता ना ये यहां से ओवरलैप कर सकता, तो सिर्फ इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लिबरेट, समझ में आया? तो अपन बता सकते हैं एंड ऑल दिस विल बी द पॉजिटिव ओवरलैपिंग। देखो ना, प्लस 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 प्लस, अब माइनस आएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा उधर, तो इधर ये दोनों प्लस हैं लेकिन ये दोनों माइनस है, तो अपन कहेंगे इधर, तो अपन कहेंगे ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। क्यों? एक प्लस एक माइनस है, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट? इधर अपन कहेंगे इन दोनों में ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन इधर प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस, ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, समझ में आया? ठीक है भाई। अब ना कभी कभी वेटिंग रूम में कोई बच्चे होते हैं, तो अगर वो आपके पहचान के हैं तो आप बता सकते हो, है ना, और तभी अपन उनको एंटर करेंगे। वैसे मैं आज ही मतलब वो चेंज करवा दूंगा, ठीक है ना, आज ही चेंज करवा दूंगा, अपने ग्रुप जो है वो सेपरेट ग्रुप बना दूंगा तुम्हारा, राइट ना, सारे बच्चों का वो आज ही ग्रुप बनवा दूंगा, जो ग्रुप जो बच्चे नहीं है उनको हटा दूंगा, तो अपना नाम भी चेक कर लेना उस नए ग्रुप में, आपका नाम है कि नहीं, ठीक है ना। चलो ये तो हटाते हैं, अपन वेस्पर थ्योरी पढ़ना था अपन को, पर बात कर रहे थे वेस्पर थ्योरी, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे VSEPR बोलते हैं, मनुष्य फुल फॉर्म होगा उसका वैलेंस शेल, है ना, उसको अपन लिखेंगे वैलेंस शेल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये होता है वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग के सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना वो वेस्पर थ्योरी से ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं, है ना, बॉन्डिंग के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वेस्पर थ्योरी में ही सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे अपन क्या करेंगे वेस्पर थ्योरी में, ठीक है ना। इसके ना सर्टेन पॉस्टुलेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, पॉस्टुलेट वी हैव टू फॉलो इन द वेस्पर थ्योरी, और वेस्पर थ्योरी में जो पॉस्टुलेट्स होंगे उसको अपन लिखेंगे। द फर्स्ट पॉस्टुलेट इज द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बाय, जो भी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल होगा ना दैट इज कैलकुलेटेड बाय, the geometry of molecule is calculated by the repulsion between the valence electron, repulsion between the lone pair of electron, repulsion between the valence pair and
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम ऑफ एटम. अब आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा था तो आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं थी कि आउटर मोस्ट शेल को ही कंसिडर करना है आपको, क्योंकि अपन ने लिखा था वहां पर हमें क्या बताना है ना, राइट. तो अपन बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना. तो अपन क्या करेंगे, उसको बता सकते हैं कि अपन को क्या करना है, ठीक है ना. तो अपन क्या करेंगे, ये अपन से बता रहा है कि अगर मुझे किसी भी, जैसे सपोज करते हैं सी एच फोर है, अगर मुझे सी एच फोर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताना है, अगर अपन को इसमें बताना है कि भाई सी एच फोर में व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज सी, ये अपन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ये पढ़ा था ना अपन ने, भाई पेयर्स में इलेक्ट्रॉन लिखो आप, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा उस रिपल्शन से अपन डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. सो अपन कहेंगे द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बाय द रिपल्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम व्हिच आर प्रेजेंट एज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का मतलब, अब इस पॉइंट का मतलब समझा रहा हूं मैं, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, मैं तो पॉइंट, वैसे तो अपन को पॉइंट लिख लेना चाहिए, उसके बाद अपन उसका मतलब समझेंगे कि ठीक है पहले आप लिखवा दो, क्योंकि हर एक पार्ट हमें पता है, व्हाट डू यू मीन बाय लोन पेयर वो भी हमें पता है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिखेंगे अपन, तो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बॉन्डेड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, राइट. तो अपन को पता है व्हाट इज बॉन्ड पेयर व्हाट इज लोन पेयर, तो अपन उसको बता सकते हैं वैसे. अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखते हैं, तो पहले मैं क्या करता हूं ना, पहले अपन ना मैक्सिमम पॉइंट लिख लेते हैं, और उस पॉइंट्स के बाद फिर अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सीखेंगे, क्योंकि बड़ा इजी होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना, राइट ना, उसमें कुछ नहीं करना होता है, ना हमें फॉर्मूले की जरूरत है ना कोई जरूरत है, अपन सीधा बस पॉइंट्स लिखने के बाद, क्योंकि स्कूल में जरूर आएगा अपन को ये पॉइंट्स, अपन डिटेल में इसलिए लिखते हैं ताकि स्कूल में आए तो अपन बता सके, ठीक है ना. तो सेकेंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, दैट इज द रिपल्शन बिटवीन द टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन द रिपल्शन बिटवीन वन लोन पेयर एंड वन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड वन बॉन्ड पेयर, ठीक है. सो वन बॉन्ड पेयर एंड दैट विल बी ग्रेटर देन टू बॉन्डेड पेयर्स, और वो ग्रेटर होगा टू बॉन्डेड पेयर्स से, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो फिर अपन लिख सकते हैं देयरफॉर, और वी कैन राइट दैट इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट दैट, बट उसको ऐसे बोल सकते, अदर वर्ड्स वी कैन से दैट भाई लोन पेयर को ना अपन ऐसे बना लेते हैं, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, और बॉन्डेड पेयर को ना बीपी लिख देते हैं अपन ऐसे, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ऐसे लिख सकते हैं, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन. तो मैं बताऊंगा आपको मतलब कैसे सारे रीजन सारी चीजें बताऊंगा, एंड व्हाई इट इज सो वो भी बताऊंगा ऐसा क्यों होगा. नेक्स्ट वी कैन राइट इज द बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, द बॉन्ड एंगल कैन ऑनली बी कैलकुलेटेड, है ना, जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी ओनली कैलकुलेटेड बाय बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स, जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स में ही हो सकते हैं, ठीक है ना. मैंने चैट को डिसेबल किया है, आप ही बोलो जो आप बोल सकते हो डायरेक्टली, अगर किसी को समझ में नहीं आया आप बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ना, मुझे और भी अच्छा लगेगा अपन इंटरेक्शन करके पढ़ेंगे. तो द
बॉन्डेड द बॉन्ड एंगल है, मैं बताऊंगा सारी चीजें मैंने आपसे कहा, द बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द टू बॉन्डेड पेयर्स, टू बॉन्डेड पेयर्स। तो जो भी बॉन्ड एंगल अपन कैलकुलेट करेंगे ना, बॉन्ड एंगल अपन हमेशा ही कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स। सो बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड राइट ना बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स, बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आई विल राइट दैट द रिपल्शन बिटवीन, अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं द रिपल्शन बिटवीन, अगर कभी ऐसे हुआ कि किसी सेंट्रल एटम से, जैसे अपन ने यहां पर रिपल्शन लिखा ना, रिपल्शन लिखा ना, वैसे अपन यहां बता सकते हैं कि कभी कभी ऐसे भी लिखना होता है अपन को कि बॉन्डेड पेयर्स के बीच में रिपल्शन, तो अपन लिखेंगे ऐसे द रिपल्शन बिटवीन द टू ट्रिपल बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन द रिपल्शन बिटवीन द वन ट्रिपल बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड्स हैं ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लिख रहे हैं, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन मतलब बिटवीन एनी एटम, ये कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकते हैं, एनी एटम, बट बिटवीन द टू बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड विल बी मोर देन द ट्रिपल बॉन्ड एंड द डबल बॉन्ड विल बी मोर देन द टू डबल बॉन्ड्स विल बी मोर देन द डबल बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड विल बी मोर देन अ सिंगल बॉन्ड्स, दो सिंगल बॉन्ड के बीच में। द रीजन इज आप खुद ही सोचो ना, सारे के सारे तो आप बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, यहां दो ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एंड दैट विल बी बिटवीन द एटम्स। तो अगर दो ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो तीन बॉन्ड में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिक्स इलेक्ट्रॉन और सिक्स इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा ही होगा, मतलब ये 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, वो ज्यादा ही होगा किससे, दैट विल बी फ्रॉम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होगा 8 इलेक्ट्रॉन से, 8 का रिपल्शन ज्यादा होगा 6 इलेक्ट्रॉन से, ऑब्वियस ही बात है। अपने ये कहा ये सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो गिवन है अपन को ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, वी कैन राइट इट। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं द टू बॉन्डेड पेयर, अगर दोनों ही बॉन्डेड पेयर्स, तो जरूरी थोड़ी है कि बॉन्डेड पेयर में भाई आप सिंगल बॉन्ड ही दोगे, दैट बॉन्डेड पेयर्स कैन बी डिफरेंट, कोई डबल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन कहेंगे दो ट्रिपल बॉन्ड के क्लाउड में ज्यादा रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, वो स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वी कैन राइट इज द बॉन्ड लेंथ, है ना, द बॉन्ड लेंथ। सो अगर अपन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे ना, तो विल राइट लाइक दिस द बॉन्ड लेंथ है, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। अभी कभी कभी पार्शियल बॉन्ड भी बनते हैं, अगर पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे ना तो फिर अपन ऐसे लिखेंगे सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा ट्रिपल बॉन्ड से, बिकॉज वो और क्लोज हो जाएंगे एटम्स, ठीक है ना। अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई एक ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन उस ऑर्बिटल में जैसे अगर अपन बात करें, थोड़ा सा अपन ऐसे देखते हैं, जैसे दो एटम्स है, ए और बी दो एटम्स है, इनके बीच में अगर अपन एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाया अपन ने, तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से होगा ना, और अगर मान लो इसके बीच में अपन ने एक और बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियस बात है अपन ने दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, तो जितना ज्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे ना, जितने ज्यादा ओवरलैप होंगे ना ऑर्बिटल्स, उतना एटम के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दैट्स व्हाई वी से दैट ट्रिपल बॉन्ड इज स्मॉलर देन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। बट अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कभी कोई सिंगल बॉन्ड है और मेरे पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड है तो क्या करें भाई, पार्शियल ट्रिपल सिंगल या डबल बॉन्ड भी तो बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे, हम वो रेजोनेंस फिनोमेनन में कुछ पार्शियल बॉन्ड की बात कर रहे थे ना, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे थे, विच इज कमिंग आउट टू बी फ्रैक्शनल, भाई ये बॉन्ड ऑर्डर वन है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है बिटवीन द टू एटम, इसका बॉन्ड ऑर्डर वन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर टू है, इसका बॉन्ड ऑर्डर थ्री है। अगर बॉन्ड ऑर्डर वन और टू के बीच में हुआ तो फ्रैक्शन होगा, तो अपन उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, अपन उसको बोलेंगे पार्शियल बॉन्ड।
क्या होगा, वो पार्शियल बॉन्ड होगा। और वैसे ही बिल्कुल अपन बता सकते हैं कि भाई अगर डबल बॉन्ड है तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो फिर अपन कहेंगे जैसे सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है पार्शियल डबल बॉन्ड से, और पार्शियल डबल बॉन्ड क्योंकि इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तभी तो आप पार्शियल बोल रहे हो, तो अगर पार्शियल डबल बॉन्ड बड़ा होगा डबल बॉन्ड से तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड छोटा होगा किससे, डबल बॉन्ड से, क्योंकि अब ट्रिपल बॉन्ड जैसे नेचर आ गया ना, मतलब इसमें बॉन्ड इसका बॉन्ड नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है, दिस इज बिटवीन वन एंड टू, दिस इज बिटवीन टू एंड थ्री, तो ऑब्वियसली बात है बिटवीन टू एंड थ्री का मतलब है कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे छोटा होता है ना, तो अभी आपने लिखा ट्रिपल बॉन्ड स्मॉलर देन डबल बॉन्ड स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। लेकिन व्हाट अबाउट द पार्शियल बॉन्ड्स, क्योंकि कुछ तो रेजोनेंस फिनोमेना में आपने कहा था मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है तो बॉन्डेड फ्रैक्शन भी हो सकता है, व्हाट अबाउट दैट फ्रैक्शन, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर प्योर सिंगल बॉन्ड है और प्योर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा डबल बॉन्ड से, लेकिन अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो उस केस में अपन कहेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे अपन, पार्शियल डबल बॉन्ड विल बी लार्जर देन, दैट विल बी ग्रेटर देन डबल बॉन्ड बट इट विल बी स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड, तो पार्शियल बॉन्ड भी होंगे, तो ठीक है वैसे अभी अपन पार्शियल बॉन्ड की बात कम ही करेंगे, लेकिन पार्शियल बॉन्ड की बात अपन कर सकते हैं क्योंकि अभी अपन बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे थे तो मैंने उसको इंक्लूड किया। फिर अपन कहते हैं भाई अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, ये मैंने आपको बताया, जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ छोटा बॉन्ड लेंथ होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तीन बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू दो बॉन्ड के, दो बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू वन बॉन्ड के, ठीक है ना, तो अपन क्या कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड तो ब्रेक करना मुश्किल है, मतलब ये हो गया कि ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये बॉन्ड भी छोटा होता है, छोटा बॉन्ड होगा जितना कम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो अपन कहेंगे अच्छा इसका मतलब है कि बॉन्ड अगर छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, अगर बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, राइट, तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई, ऑल्सो वी कैन से दैट बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, अगर किसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अपन चेक करते हैं मेनली ये वाला पार्ट तो बॉन्ड से रिलेटेड है, आप ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इसमें ये वाला बॉन्ड तो बॉन्ड से रिलेटेड है, इसमें आप अब पूरा केमिस्ट्री में बॉन्ड बनेंगे, तो हर बार अपन बॉन्ड्स की बात करते रहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है अभी मेरे लिए क्या हो गया ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्या, एक तो ये वाला पार्ट मुझे ध्यान रखना है कि कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है, दूसरा बात मुझे याद रखना है कि भाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी है, अगर उनमें भी रिपल्शन बता रहा है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा रिपल्शन, यहां पर 6+6 12 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, यहां पर 6+4 10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, तो 12 का रिपल्शन ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही होगा 10 के कंपैरिजन, कॉन्टेंट ना। अब अपन चेक करते हैं और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होके, मेन पार्ट जो अपन को चेक करके रखना है ना वो ये और ये है, और ये पार्ट ये अपन को अभी ज्योमेट्री में काम आएगा, तो चलो देखते हैं इस ज्योमेट्री को बना के देखते हैं कि भाई इसमें ज्योमेट्री में जो लोअर ये आपने बताया कि जो भी ज्योमेट्री कैलकुलेट करेंगे अपन किसी भी मॉलिक्यूल का तो अपन किससे कैलकुलेट करेंगे, बाय द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स इन द लोअर पेयर्स, चलो शुरू करके देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं सीधे एग्जाम्पल पे आता हूं, ये पॉइंट्स आपके पास है, इन पॉइंट्स के बेसिस पे अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अपन। देखो एक बात अपने दिमाग में पहले से रहेगा, मतलब ये तो पॉइंट्स थे जो अपन को लिखना था, ठीक है, अब उसमें स्कूल में लिखने के लिए अपन और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो कॉमन सेंस से अपन को सिखाएगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है हमारे कॉमन सेंस मतलब हमारा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ आप, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तब होगी
जब उसकी एनर्जी सबसे कम हो। भाई हमारी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होगी? जब हमें ना बहुत ज्यादा भूख लगेगी। क्यों? हमारी एनर्जी डाउन है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को उसका किसी भी मॉलिक्यूल का पॉसिबल स्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं जिस स्ट्रक्चर में उसकी एनर्जी सबसे कम हो, राइट? तो अपन क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के लिए अपन को यह चेक करना है कि किस शेप में या किस ज्योमेट्री में उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। जिस शेप और ज्योमेट्री में उसकी एनर्जी मिनिमम होगी वही उसका स्ट्रक्चर है। तो अपन एक पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे और वो ये है ना, इसको भी अपन उसमें पॉइंट में ऐड कर सकते थे, द ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री ऑफ और शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, है ना, मॉलिक्यूल विल बी दैट इन विच इट हैज मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी। तो अब अपन क्या करेंगे ना, चलो मिनिमम एनर्जी देख के कैलकुलेट करके देखते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, रेंडमली एग्जाम्पल लेके सीखते हैं, उसके बाद एक टेबल टाइप बना देते हैं कि भाई ये फिक्स है, ये अपन को करना होता है। समझ में आया ना? तो अपन क्या करते हैं, एक रेंडमली ना पहले अपन मॉलिक्यूल लेते हैं कि देखो तुमको सब कुछ पता है, तुमको सिर्फ ये सेंटेंस डिसाइड करना है, बाकी तुमको सब कुछ पहले से पता है। चलो देखते हैं कैसे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इस पॉइंट को आपने लिख लिया क्योंकि यही पॉइंट अपना सब कुछ डिसाइड करेगा। अपन क्या करेंगे, अब पहले ना एक और पार्ट, जैसे अपन ने ये पॉइंट लिखा ना एक, तो इसको अपन पॉइंट वन ले लेंगे, एक पॉइंट टू ले लेते हैं, ताकि मैं ना सिग्मा और पाई बॉन्ड जो कैलकुलेशन है ना एक पार्ट, उसको भी खत्म करते हैं। उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर मैं कभी यूज करूंगा ना तो आपको पहले से पता रहेगा। जैसे अपन को लिखना होता ना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये वो नोट का जो अपन ने अभी भी पॉइंट लिखा ना एक, उसमें इसको सेकंड पॉइंट डाल देना, वो पॉइंट कम वन कर लेंगे अपन दूसरा, ताकि मुझे ना फिर बीच में ये पॉइंट बाद में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अभी कैलकुलेट करके खत्म करते हैं इसको, ठीक है? अपन सबको पता है अगर सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन एटम तो सिग्मा होता है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो एक सिग्मा होता है दो पाई होता है, ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है? अब बॉन्ड बनाना अपन को आता है कैसे, अपन कहेंगे देखना एग्जांपल में HCl, तो HCl मॉलिक्यूल में अपन कहेंगे अच्छा ऐसे लिखना होता है, HCl में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, बस सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड है, राइट? तो इसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा चेक। अब ना दूसरे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बाकी पार्ट भी सिखाऊंगा, जैसे मान लो, और जिसमें मुझे लगेगा कि नहीं इसमें आपको काफी सीखना पड़ेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, राइट? अब मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, मेरे पास गिवन है कि भाई CO2, लो स्ट्रक्चर बनाना अपन को आता है, सेंट्रल एटम कार्बन, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो अब एक बात ध्यान रखना, लुईस थ्योरी खत्म हो गया, अब हमें कोई ऑक्टेट एक्सपेंशन और कोई ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल एटम लिखो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, मतलब इसके चार इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो चाहिए थे दे दो, इसके छह इलेक्ट्रॉन है और इसके अभी कितने हो गए सिक्स हो गए इसको भी दो दे दो, कितने बॉन्ड है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो अपन कहेंगे कार्बन ऑक्सीजन में इधर डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन में इधर भी डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, मतलब इसमें दो सिग्मा है दो पाई, तो CO2 मॉलिक्यूल में चार बॉन्ड दिख रहे हैं अपन को, तो चार बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, इस तरफ भी डबल बॉन्ड है तो अपन कहेंगे इसमें भी एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, दो पाई दो सिग्मा। चलो दूसरा देखते हैं,
कहेंगे अच्छा ठीक है मेरे पास सी एच फोर मॉलिक्यूल है, सी एच फोर मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आता है, वो पेयर में लिखो मॉलिक्यूल और आप ऐसे कर दो। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, अपन कहेंगे दे दो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसे, लो हो गए, तो अपन कहेंगे यहां तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ तो लिखो चार सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है भाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, आपने कहीं डबल बॉन्ड नहीं बनाया, हाँ तो ठीक है नहीं है, नहीं था तो नहीं बनाया भाई, इधर अपन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, हमने वो फॉलो किया अपना रूल्स जो अपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए फॉलो करते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो बोलेगा कि सर मुझे डाउट है फिर से बताओ, ठीक है ना। अब अपन दूसरा देखते हैं, मान लो अपने पास ऐसे के बने, मैंने आपसे कहा मेरे पास ना SO3 के बने, कोई बात नहीं अपन कहेंगे SO3 के बने, लो भाई मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ये SO3 मॉलिक्यूल था, अगर नहीं दिखेगा तो बोल देना कि सर नहीं दिख रहा है, तो मैं बताऊंगा आपको फिर थोड़ा और मतलब उधर ऐसे कर लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा लूंगा, क्योंकि कई बार अपन से ना एग्जाम में ही आ जाता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई इन द गिवन मॉलिक्यूल, और वो इंटीजर टाइप होता है, 8 मार्क्स मेंस में तो आई जाएगा, तभी मैंने उसको पॉइंट लिखा कि यार ये भी बता दो अभी, आप उसमें गलती ना करो, तुमको पक्का पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, फंस जाएंगे, तो एक बार मैं सिखाई देता हूं तुमको। इसमें अपन क्या करेंगे, तीन ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, ये लो भाई इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, दो ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दे दो इसको भी दो इसको भी दो, लो भाई दे दिए, बट सल्फर का तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, तो अपन कहेंगे किसने कहा कि आप लुईस ऑक्टेट लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर लिखो, लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर लिखोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाते, वरना अपन क्या करेंगे सेंट्रल एटम लिखो, अदर एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो भाई सबको, वही स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, लुईस ऑक्टेट रूल के अलावा बाकी सभी थ्योरीज में अपन को यही फॉलो करना है, एंड वी विल कॉल्ड दिस एज अ हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल, जिसका ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जी किसी एटम के पास, तो कितने हो गए कोई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तीन सिग्मा तीन पाई, राइट ना, थ्री सिग्मा थ्री पाई बॉन्ड्स हो गए इसमें, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास ऐसे के बने, तो अपन कहेंगे ठीक है आप मुझे स्ट्रक्चर बनाना तो सिखाने वाले हो ही, अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूं और इनका स्टेबल शेप भी बताने वाला हूं, तो अब मैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूं, राइट ना, मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल है, मैं लिखने वाला हूं एच एस सी एन, वैसे मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया हाइड्रो थायोसाइनिक, ये थायोसाइनिक एसिड है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये लो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये इस एसिड का स्ट्रक्चर है, अपन से पूछा कि बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो अपन क्या करेंगे ये सिग्मा इसमें एक सिग्मा और दो पाई, तो अपन कहेंगे इसमें ना तीन सिग्मा एंड वन पाई, किसी को डाउट है तो बताओ, और लोन पेयर भी पूछ सकते हैं ध्यान रखना, तो अपन कहेंगे कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपन ये भी बोल सकते हैं इसमें कितने लोन पेयर्स हैं, तीन लोन पेयर्स हैं, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं था, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं था, वो भी पूछ सकते हैं कि लोन पेयर बताओ, ठीक है। अब मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूं, सपोज कभी कभी ऐसे लिख दिया उन्होंने, यहां पर अपन क्या करेंगे ना, कोई डाउट है सर, सिग्मा आने का ये वाला पाई बॉन्ड नहीं सुनला इस वाले में ना आएगा ना, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है ना, जो ट्रिपल बॉन्ड है ना तो ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा और दो सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये बताया था ना मैंने भाई, सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें सिर्फ सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं,
ठीक है सर, किसी को डाउट नहीं ना। अब क्या करेंगे ना, वो इस टाइप से मॉलिक्यूल लिख देंगे। अगर इस टाइप से मॉलिक्यूल लिखेंगे ना तो अपन को थोड़ा लगेगा अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओ। तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे अपन को बताना होता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आप सिग्मा और पाई बॉन्ड उसमें कैलकुलेट करोगे। तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास वो मॉलिक्यूल है, वो मैं बताऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये लो भाई, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। वो साइनाइड है ना, सीएन साइनाइड होता है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल, करो कैलकुलेट। आया सर, नौ सिग्मा बॉन्ड और नौ पाई बॉन्ड। यस सर, करेक्ट, बिल्कुल सही। सब लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लो, अगर आंसर नहीं आएगा तो आप लोग बताओगे हमारा आंसर नहीं आया। मैं एक बार कैलकुलेट करके देखूं सर। सर हाँ बोलो बोलो सर, फिफ्थ क्वेश्चन में 2π आएगा ना। अच्छा, इसमें 2π लिखना था अपन को, बिल्कुल बिल्कुल, बोल दो। मैं तो तब से बोल रहा था यार, लेकिन बोला तो था मैंने 2π ना, लिखा 1π है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2π होंगे, बिल्कुल। तो मैं कैलकुलेट करूं आज ना, थोड़ा डिफरेंट लग रहा ना, तुम लोगों की शक्ल दिख रही ना, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है तुम लोग पढ़ रहे हो, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा मतलब फील भी अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आज पढ़ाते हुए, राइट। चलो लेकिन अच्छा लग रहा है, मतलब अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा देखो, तो मैं एक बार कैलकुलेट करूं इसको, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करना है अपन को। तो देखो ये इधर एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, इधर वाले सिग्मा कैलकुलेट करना नहीं भूलना, ये तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। अब इधर में एक मॉलिक्यूल में इधर वाले पार्ट में 2π बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में, तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, सीएन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहां पर 2π बॉन्ड, यहां पर 2π बॉन्ड, यहां पर 2π बॉन्ड, यहां पर 2π बॉन्ड, 8 और 1 पाई बॉन्ड, यहां 9π बॉन्ड आ गए भाई, आई ना सबसे। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, एक सिग्मा यहां पर है, एक सिग्मा यहां पर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा होगा पक्का, किसी को डाउट नहीं, 9 सिग्मा हो गया भाई। सर बोलो सर, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर 4:1 है क्या? सेवेंथ का, अच्छा उसका भी आंसर कैलकुलेट कर लिया, एक सेकंड रुक जा यार, एक सेकंड रुक जा, अपन सबको टाइम दे देते हैं ना। देखो भाई सब लोग एक बार चेक कर लो,
लिखा, चलो देखते हैं अपन है। वैसे अपन कहेंगे भाई एक सिग्मा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सिग्मा तो अपन को दिख ही रहा है, लेकिन जहां डबल बॉन्ड है ना वहां भी एक सिग्मा और एक पाई है, जहां सिंगल बॉन्ड है ना वहां सिग्मा है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना ये पाई बॉन्ड्स है, तो पाई बॉन्ड तो हो गए थ्री, तो अपन कहेंगे भाई थ्री पाई बॉन्ड्स हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिग्मा बॉन्ड ये वाले हो गए जो कार्बन कार्बन के बीच में है, और सिक्स सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, तो अपने पास कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए अपने पास। तो रेशियो अपने पास आ गया बिल्कुल 4:1 आया था, बिल्कुल सही है, सबको समझ में आया। अब ना जैसे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू तो हुआ नहीं, तो अपन को ना स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन का वैलेंसी कभी मतलब कार्बन के बॉन्ड चार से ज्यादा नहीं बनने चाहिए कभी, ठीक है ना। तो अभी के लिए ऐसा अगर अपन को दे दिया तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे ना कार्बन के बॉन्ड्स बना देते हैं। अगर इसको मैं ऐसे देता ना तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं था कैलकुलेट करने में, ये कार्बन है इसकी वैलेंसी आपने बताया चार से ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ना तीन हाइड्रोजन ऐसे अटैच होंगे, इसके ये तीन हाइड्रोजन एटम्स होंगे इस कार्बन के, फिर ये कार्बन कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है जो डबल बॉन्ड से अटैच है, फिर ये वाला कार्बन एटम फिर हाइड्रोजन से अटैच है और फिर कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है कार्बन से। कोई भी कार्बन जो है उसके चार से किसी भी कार्बन के अराउंड आप चेक कर लो, मैंने चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस कार्बन कंपाउंड्स, और कार्बन कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी चार हमेशा होगी, मैंने कभी भी किसी भी कार्बन के अराउंड मैंने चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाए। आप सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बता दो, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बता दो भाई। सर 13:3। देखो भाई 13:3 आ रहा है। यस सर। सबका आ रहा है 13:3। तो मैं चेक कर लूं। यस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करता हूं पहले। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 12, 13, सिग्मा बॉन्ड तो 13 आया, बिल्कुल करेक्ट है, और पाई बॉन्ड एक इधर है और दो पाई बॉन्ड इधर है, तीन हो गए भाई, थ्री पाई बॉन्ड हो गए, बिल्कुल करेक्ट। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे देना तो आप ये ध्यान रखना कि कार्बन का वैलेंसी चार से ज्यादा नहीं हो सकता, वैसे अभी तो नहीं देना चाहिए उनको क्योंकि अपन ने ऑर्गेनिक शुरू भी नहीं किया, तो अपन को पता रहेगा कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं। हाँ ऐसा बना के दे दो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, वो सब अपन को पता है। दैट इज अबाउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। अब अपन कहेंगे देखो भाई दूसरा मॉलिक्यूल, अब मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड आपसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, खत्म हो गया, अब आप अपने आपको कैलकुलेट करना है आप करो, मैं दूसरा मतलब मैं स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं पहले। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे अपने पास ना मैं मॉलिक्यूल्स जो स्ट्रक्चर बनाना बनने सीखा था ना, पहले उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद अपन वेस्पर थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे कि क्या अपन को बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा देख मेरे पास NH3 गिवन है, अपन क्या करेंगे स्ट्रक्चर बनाना है, ये लो नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच, लेकिन सभी एटम का सेंट्रल एटम आपको पता होना चाहिए और सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए, वन, ये लो हो गया, ये NH3। अपन कहेंगे अच्छा अगर मेरे पास H2 होता तो अपन कहते ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, अब लिखो हम मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा सेंट्रल एटम है कौन सा नहीं है, तो अपन कहेंगे अपन पता तो है ट्रस्टेबल सीरीज पढ़ा तो है अपन ने, इसलिए तो पढ़ा था ट्रस्टेबल सीरीज ताकि मुझे यह पता रहे कि सेंट्रल एटम क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक लो भाई बना दिया, कट
कार्बन कहेंगे, सपोज मेरे पास ऐसे कितने हैं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं PCl5, फास्फोरस ये तो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में होता है, मतलब पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब इसमें Cl को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लो भाई हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये तो बड़ा इजी है फिर कैलकुलेट करना, इसमें कुछ आप बता ही नहीं रहे, इसमें तो सीधा सीधा आप बता रहे हो सेंट्रल एटम लिखो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन देने दे दो, बड़ा इजी है अपने लिए। तो फिर चलो अब अपन शेप और ज्योमेट्री की बात करते हैं कि शेप और ज्योमेट्री कैसे डिजाइन करेंगे। अब देखो, अब मैं एक पार्ट लिखता हूं कि अगर मान लो पहले मैं आपको शेप और ज्योमेट्री के बारे में आइडिया देता हूं, और आइडिया के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपन वो स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री की बात करेंगे। पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि शेप और ज्योमेट्री अपन डिसाइड कैसे करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, और व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट टू डिसाइड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अपने पास मान लो CO2 गिवन है, कार्बन अपने पास चार वैलेंस पेयर्स में लिखा, अपन कहेंगे मैंने एक ऑक्सीजन ऐसे लिखा, एक ऑक्सीजन ऐसे लिखा, अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे देखो भाई आपने ऑक्सीजन तो लिखा, लेकिन आप जो स्ट्रक्चर मुझे बता रहे हो ना, वो बीच में कार्बन लिख के ना आप ऑक्सीजन को ऐसे रख रहे हो, जबकि मैक्स तो इसका मतलब है इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में आपने कितना एंगल बताया मुझे, 90 डिग्री। जबकि मुझे एक बात पता है कि अगर ये ऐसे होता तो ये 180 डिग्री होता, अगर ये 180 डिग्री होता तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो रिपल्शन होता वो काफी कम होता एज कंपेयर टू 90 डिग्री के, मतलब अपन को पता है कि ब्लैक ये इनके हेड्स जो है ना ये ऑक्सीजन है, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर ये ऑक्सीजन ऐसे होते तो ज्यादा रिपल्शन होता ना इनमें ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स में, और बॉन्ड्स में भी अपन को पता है डबल बॉन्ड का रिपल्शन, ये एटम जितना ज्यादा पास होंगे उन एटम में उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा, और जब किसी में रिपल्शन होता है ना तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, मिनिमम रिपल्शन होगा ना तो एनर्जी मिनिमम होगी, तो अपन क्या करेंगे इधर पास होंगे तो रिपल्शन रिपल्शन कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते अपन। इन दोनों ऑक्सीजन को अगर आप लीनियरली प्लेस करोगे, इसके अलावा ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जहां इन ऑक्सीजन को प्लेस करके मैं इससे कम एनर्जी बना सकता हूं इसकी, तो ये इसका मिनिमम एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होगा, इसी को बोलेंगे अपन CO2 का शेप एंड ज्योमेट्री। तो अपन कहेंगे ज्योमेट्री, तो अपन कहेंगे इधर बीच में कार्बन है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, इट हैज अ लीनियर ज्योमेट्री, मतलब एक सेंट्रल एटम हो गया, उसके दोनों तरफ 180 पे क्या प्रेजेंट है अदर एटम्स, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी अपने लिए, लीनियर ज्योमेट्री। समझ में आया? तो फिर कहेंगे ठीक है, अच्छा इस तरीके से आप डिसाइड करोगे, ठीक है मान लिया कि भाई इसका लीनियर ज्योमेट्री आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अब अगर मान लो अपने पास ऐसे की बने, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये कोई मतलब अभी मैंने शुरू नहीं किया पढ़ाना तो शुरू करूंगा कि वेस्पर थ्योरी के हिसाब से अपन डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे चलेंगे, लेकिन आप कैसे स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो ये अपन को पता चल गया। आप क्या करते हो, मिनिमम एनर्जी की बात करते हो, एटम्स को सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरीके से अरेंज करो सो दैट कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, अगर रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मैक्सिमम होगी। चलो देखते हैं कैसे। मेरे पास ना CH4 मॉलिक्यूल्स है, अपन को पता है ऐसे लिखते हैं अपन, कार्बन है 1 2 3 4, ये लो भाई एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और फोर्थ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से बनने लिखे, ये हाइड्रोजन एटम। अब अपन कहेंगे मैं क्या करता हूं, ऐसे बना लेता हूं, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अच्छा आपने ऐसे बना दिया, मतलब आपने एक तरीके से बीच में कार्बन है
दो बॉन्ड आपने ऐसे बना लिए और अपन कहेंगे दो बॉन्ड आपने ऐसे बना लिए, ऐसे बना दिया आपने बॉन्ड। तो अपन कहेंगे यार ये तो मतलब समझ में नहीं आया कुछ, इधर काफी ज्यादा गैप, इधर बहुत कम गैप, इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, इधर रिपल्शन कम होगा, इधर पूरा स्ट्रक्चर खाली पड़ा हुआ है, तो एक ही प्लेन में क्यों बना रहे हैं आप, अलग अलग प्लेन में बनाओ ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो प्लेन ना इसको थोड़ा ऐसे दूर कर देते हैं, तो इसका अगर दूर जाएगा ना तो इस ये जितना ज्यादा दूर जाएगा ना ऐसे इस प्लेन से जितना ज्यादा दूर जाएगा इन दोनों का रिपल्शन कम होगा और इसका भी इससे रिपल्शन कम। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अच्छा ठीक है इन चारों को ऐसे एडजस्ट कर दो सो दैट कि इसमें मिनिमम रिपल्शन हो जाए। तो अपन कहेंगे आप ना इसे ऐसे अरेंज कर दो, अब इसमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो अपन कहेंगे ये कैसे दिख रहा है, ये तो ऐसे पिरामिड टाइप हो गया और एक इधर हो गया पॉइंट, तो ये बॉन्ड कैसे होगा, मतलब आप क्या बता रहे हो, आपने इसको ऐसे लिखा है, आपने क्या किया है, इधर आपने कार्बन लिखा है, इधर हाइड्रोजन लिखा है और तीन आपने ट्रायंगल जैसे लिखे थे, मतलब तीन आपने ऐसे ट्रायंगल जैसे लिखे थे थोड़ी देर पहले। अपना ब्लैक इनके हेड जो है ना वो हाइड्रोजन मान लेते हैं, ये ब्लैक इसका जो कैप है ना वो हाइड्रोजन से, आपने ऐसे बताया था मुझे, मतलब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर, तो आपने ये वाला बॉन्ड मुझे बना के दिखा दिया। अभी अब आपको ना तीन बॉन्ड और बनाने, तो अपन क्या करते हैं इसका बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, ये इसका बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड हो गया, तो ये बोर्ड के प्लेन में है और ये वाला बॉन्ड सेम प्लेन में मान लेते हैं अपन, बोर्ड के प्लेन में कहां बना दिया अपन ने, बोर्ड के प्लेन में बना दिया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई बोर्ड के प्लेन में बनाया तो ऐसे कर देंगे, ये बार वाला कार्बन बनाया बोर्ड के प्लेन, ये दो हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है और ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने इसमें कोई भी दो बॉन्ड एक प्लेन में हो सकते हैं, अब देख लो कोई भी दो बॉन्ड एक प्लेन में हो सकते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ऐसे ताकि अपन क्या करें कि भाई ये और ये बॉन्ड तो बोल के प्लेन में आ गया, मैं क्या चाहता हूं कि आपको स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर दिखे, वो 3D स्ट्रक्चर दिखेगा तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा ये स्ट्रक्चर हो गया ये स्ट्रक्चर, अब अपन क्या करते हैं एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ है और एक बॉन्ड तुमसे दूर है, तो अपन क्या करते हैं ना इसमें और इसमें ना एक बॉन्ड बनाने का तरीका अलग कर देते हैं अपन, कैसे, जो अपनी तरफ बॉन्ड होगा ना उसको अपन ऐसे बना देंगे, अपन कहेंगे ये बॉन्ड मुझे ज्यादा दिखेगा टुवर्ड्स द व्यूअर तुम्हारी तरफ, और ये वाला बॉन्ड थोड़ा कम दिखे वो दूर है ना उस आपसे, तो मैं दूर वाले बॉन्ड को ऐसे बना दूंगा, थोड़ा और इसको ऐसे कर लेते हैं, ये अपनी तरफ है और ये वाला बॉन्ड जो है वो ऐसे है ना, ये वाला बॉन्ड थोड़ा और ये ऐसे। तो अपन ने क्या कहा, ये बॉन्ड वो है जो तुम्हारी तरफ है, ये वाला डार्क वाला बॉन्ड है ना, क्योंकि वो ज्यादा दिख रहा होगा ना आपको, आपकी तरफ होगा तो, और ये जो बॉन्ड है ना जो तुम्हारे तुमसे दूर है ये डैश वाला बॉन्ड बना दिया। तो इनको ना नाम भी दे देते हैं, कैसे, ये जो बॉन्ड है ना इसको अपन बोल देंगे डैश बॉन्ड, क्या बोल देंगे अपन, डैश बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है ना इसको अपन बोल देंगे वेज बॉन्ड, इसको अपन बोल देंगे वेज बॉन्ड, तो वो हो जाएगा अपने लिए वेज बॉन्ड, मतलब जो तुम्हारी तरफ होगा ना जो अपनी तरफ होता है ना बॉन्ड उसको वेज बॉन्ड बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है जो तुमसे दूर है अपन ऐसे अज्यूम कर लेंगे ना, अच्छा ये बॉन्ड हमसे दूर होगा तो थोड़ा कम दिखेगा इसलिए आपने डैश 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 बना दिया, उसको अपन डैश बॉन्ड बोलेंगे और जो तुम्हारी तरफ है उसको अपन वेज बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आया, किसी को डाउट है? अब इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गया जिसमें मिनिमम रिपल्शन होगा। पहले आप क्या बना रहे थे, पहले तो आप स्क्वायर जैसे बना रहे थे, ये चारों एक ही प्लेन में, ऐसे थोड़ी होते, आप तो स्क्वायर जैसे चारों को एक ही प्लेन में बनाओगे ये बॉन्ड एंगल तो 90 होगा, और अपन को एक बात पता है अच्छे से
कि अगर एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो उनके बीच में रिपल्शन क्या होता है? अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो रिपल्शन बिटवीन द एटम कम होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे दिस बॉन्ड एंगल इज 109.2 के आसपास होगा। तो मिनट्स मतलब अपन लिखते हैं 1 degree इज इक्वल टू 60 minutes लिखते हैं अपन। तो वहां पर 109 degree हो गया और 28 minutes हो गया, मतलब 110 से कम है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 109.5। वो 30 minutes होता तो हाफ डिग्री हो जाता, वो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल है उसमें। पक्का सबका समझ में आया कैसे स्ट्रक्चर है? तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर किसी से चार एटम अटैच है और उसमें लोन पेयर नहीं है तो उसका शेप कैसे बनेगा वो बन देंगे। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ये मिनिमम एनर्जी हो गया तो इस टाइप से स्ट्रक्चर अपन सीखेंगे कि किसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो अपन डायरेक्टली लिखेंगे और जल्दी से बनाऊंगा। और इनमें स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए कि तुमको समझ में आया या नहीं आया, मैं इनमें क्वेश्चंस पूछ लूंगा। मैं अभी नहीं पूछ रहा मैं, क्योंकि अपन उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं। वो सीक्वेंस में मैं आपसे सारे स्ट्रक्चर को कि तुम्हें समझ में आया नहीं आया, तो वो उसमें मेरे क्वेश्चंस मुझे बता देंगे कि हाँ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको नंबर ना आए क्वेश्चन में, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर आपसे ना आए तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया, आपको बताना होगा। ठीक है ना? तो चलो अब मैं क्या करता हूं, आपसे एक अपन क्वेश्चन लिखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अगर, तो अभी मैं क्या करूंगा भाई, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ये है SO2 है, तो SO2 में तो एक लोन पेयर भी होगा भाई, ऑक्सीजन को तो दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपन कहेंगे ये स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, इसमें तो एक लोन पेयर भी होगा ऐसे। अब अगर लोन पेयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई इस लोन पेयर को भी इसके साथ इनके रिपल्शन में, क्योंकि इसका भी रिपल्शन होता है, लोन पेयर को अपन ऐसे ऑर्बिटल में दिखा देते हैं भाई, ऑर्बिटल में ही तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर को अपन क्या करेंगे ऑर्बिटल में दिखा देंगे। तो अगर लोन पेयर को ऑर्बिटल में दिखाएंगे तो अपन क्या करेंगे भाई, इनका रिपल्शन ज्यादा होता है, ये बॉन्डेड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये दोनों बॉन्डेड पेयर्स हैं, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो गया, तो यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यह बॉन्डेड पेयर्स का रिपल्शन है। और अपन ने पढ़ा हुआ है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, तो अगर कहीं लोन पेयर भी बच रहा है ना तो आप टेंशन नहीं लेना कि जी उस केस में भी मैं आपको शेप बताऊंगा क्या होगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो फिक्स्ड ज्योमेट्री अपन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं, फिर अपन लोन पेयर को एक एक करके उसमें अपन ऐड करते रहे। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं अपन को क्या करना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर बच रहा है तो हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि लोन पेयर तभी बचेगा जब सारे एटम्स अकोमोडेट हो गए और फिर भी उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, देन दैट विल बी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल एटम के पास हमेशा जब भी ज्योमेट्री पूछेंगे ना, वहां अपन को जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ना वो लोन पेयर ही बचेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। बट आई एम नॉट टेलिंग कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, मैं कह रहा हूं कि बचता नहीं है। अभी अपन पढ़ेंगे तो वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर अपन से पूछेंगे नहीं, लेकिन वो पूछ नहीं सकते, आई एम नॉट टेलिंग दैट पार्ट। आपको ये पता है कि वेज बॉन्ड कौन सा होता है, डैश बॉन्ड कौन सा होता है, तो विल रीड दैट। अब अपन लिख सकते हैं द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अब अपन शुरू कर सकते हैं द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या करता हूं ना, इसमें शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में अपन एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाते रहते, जनरलाइज्ड फॉर्मूला ले लेते, मतलब मैं एग्जांपल भी दे दूंगा उसमें। तो अगर अपन कहेंगे मान लो ए इज सेंट्रल एटम, ए को अपन सेंट्रल एटम ले लेते हैं एंड बी इज अदर एटम्स, बी अपन मान लेते हैं अदर एटम्स, बी इज अदर एटम्स, अपन ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है ना. सो ए इज अ सेंट्रल एटम एंड बी इज अदर एटम, अपन ऐसे लिख सकते. चलो देखते हैं कैसे करना है अपन को. तो अपन ए बी टाइप मॉलिक्यूल लिखते हैं. तो अपन कहेंगे ए और बी टाइप, इसमें दो ही एटम है, तो दो एटम है तो फिर तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसका, शेप तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं. अपन कहेंगे वो क्यों भाई, बिकॉज दो एटम अगर होंगे तो उसमें जैसे एग्जाम्पल है भाई हमारे पास HCl हो गया, आप कहोगे मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अपने स्ट्रक्चर बता रखा है इसका. अब दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अपन. अपन कहेंगे देखो ये स्ट्रक्चर तो अपन लुईस थ्योरी से भी बता सकते हैं, लेकिन हमें बॉन्ड एंगल बताने के लिए कम से कम दो बॉन्डेड पेयर तो चाहिए मॉलिक्यूल में. पर अगर कोई मॉलिक्यूल से जब तक दो बॉन्ड नहीं बनेंगे मैं बॉन्ड एंगल कैसे बता पाऊंगा, और जिसमें बॉन्ड एंगल नहीं बता पाएंगे उसका ज्योमेट्री क्या पढ़ना, पर उसका शेप आप उसको ऐसे लिखो तो लीनियर है, ऐसे लिखो तो लीनियर है, ऐसे लिखो तो लीनियर है, दो एटम के बीच में तो बॉन्ड है बस, तो उसकी कोई ज्योमेट्री नहीं पढ़ने आती. ठीक है ना. तो अपन कहेंगे भाई इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अपन को. अब अपन कहेंगे ठीक है तो AB2 टाइप पढ़ा दो. तो AB2 टाइप का मतलब हो गया एक सेंट्रल एटम है और दो अदर एटम्स. मैं जो भी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा उसमें किसी एटम सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा. मैंने विदाउट लोन पेयर की बात की, मैंने आपसे कहा अगर लोन पेयर होगा तो मैं बताऊंगा कैसे होगा. अपन क्या करेंगे AB2 टाइप का मतलब हो गया जैसे एग्जांपल लिखेंगे CO2, ये AB2 टाइप है, सेंट्रल एटम A हो गया और अदर एटम दो B हो गए. फिर अपन लिखेंगे दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं अपन दैट इज, वी कैन राइट दैट कि भाई हमारे पास BeCl2, एक सेंट्रल एटम हो गया दो अदर एटम हो गए. अब जैसे CO2 होता है वैसे CS2 भी होता है, ठीक है अपन लिख लेते हैं, लेकिन आपने सल्फर और ऑक्सीजन तो एक ही ग्रुप के हैं तो ऑब्वियसली बात है आप सेम ग्रुप के मॉलिक्यूल मत लिखते रहो कि भाई अच्छा ठीक है कार ऑफ हो गया आप सल्फर भी ले लेते हैं, तो बहुत सारे हो जाएंगे. तो अपन क्या करेंगे कि भाई एक सेंट्रल एटम है दो अदर एटम है, इस टाइप की एग्जाम्पल लिख लो अपन, एक सेंट्रल एटम है और दो अदर एटम है विदाउट लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम है. अभी मैं बिल्कुल भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की बात नहीं कर रहा, ठीक है. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये मॉलिक्यूल्स है, तो अपन कहेंगे इसमें तो आपने अभी बताया था ऐसे CO2 है 1 2 3 4, तो इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, और आपने कहा था इसका बॉन्ड एंगल होगा 180, मतलब इसमें आप क्या लिखोगे आप ऐसे ही बता सकते हो, एक ये है और बी है, इधर बी है, इधर आप 180 डिग्री लिख लो बॉन्ड एंगल, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर ज्योमेट्री. तो ये तो अपन को पता है कि भाई लीनियर ज्योमेट्री होगी, अगर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना. तो अपन कहेंगे ठीक है इसमें तो कुछ पढ़ने के लिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे, आप BeCl2 कहोगे तो मुझे पता है बोरोन के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब आप ऐसे लिखोगे ऐसे लिखोगे हमें क्या फर्क पड़ता है, अपन कहेंगे आप ऐसे लिख लो क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं अपन, तो लिख लिया अपन ने. अब अपन कहेंगे क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये लो भाई. तो अपन कहेंगे अच्छा दो ही बॉन्ड है और इसके पास कुछ भी नहीं है, तब तो इनको मैक्सिमम अपार्ट करो, और मैक्सिमम अपार्ट कब होंगे ये दोनों, जब ये कितने एंगल पे होंगे 180 पे कर देंगे, तो लीनियर शेप बन गया. बट तो इनका इसको इधर लिखेंगे अपन ऐसे लीनियर ज्योमेट्री. तो मैंने वो एग्जांपल दिया आपको कि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन अपन वैसे लिख सकते हैं. अब मैं लोन पेयर वाला पार्ट बाद में डिस्कस करूंगा, पहले अपन विदाउट लोन पेयर की बात कर लेते हैं ताकि अपन को यह तो पता चले कि ज्योमेट्री है क्या, ठीक है. अब दूसरी बात करते हैं ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल. ओके ए बी थ्री टाइप का मतलब हो गया एक सेंट्रल एटम है और तीन अदर एटम्स है, ठीक है.
एक सेंट्रल एटम बना लेता हूँ, तीन अदर एटम बना लेता हूँ। तो अगर एक सेंट्रल एटम है और तीन अदर एटम है तो अपने पास जो इसका ज्योमेट्री आएगा ना, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो इसमें ना जैसे अपने पास आएगा तो बी एफ थ्री मॉलिक्यूल, बी सी एल थ्री मॉलिक्यूल, ए एल सी एल थ्री मॉलिक्यूल, सी एच थ्री पॉजिटिव मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अपन कहेंगे कि आपने सी एच थ्री पॉजिटिव, आपने अब तक आयन नहीं बताया था मुझे, आपने आयन लिखा है तो एक बार बता दो आयन के लिए क्या करना है। तो अपन कहेंगे ठीक है, पहले तो बताया आपने लुईस अपटेट थ्योरी में कि अगर कोई कैटायन है तो क्या करना है अपन को, सेंट्रल एटम से उसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। तो कैटायन के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना अपन को, निकाल दिया तो फिर तीन हाइड्रोजन लिखे मैंने, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तीन एटम्स है तो ये तो ए बी थ्री टाइप हो गया ना, ए तीन बी हो गए। तो वो तो आपने पहले से बता रखा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करना है और नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना है, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें फिर क्या करोगे स्ट्रक्चर, तो अपन कहेंगे इन सब के स्ट्रक्चर ऐसे होंगे, ए हो गया, बी हो गया, एक बी इधर हो गया और एक बी इधर हो गया। ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा ना, ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बनेंगे, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी 120 डिग्री होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे होगा, ए बी थ्री टाइप विदाउट एनी लोन पेयर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, बीच में ए है और बाकी तीन ये है। तो अब अपने दिमाग में पता क्या चलेगा, सर मैं इससे भी अच्छा स्ट्रक्चर बना सकता हूं, वो कैसे, तो अपन कहेंगे इसको थोड़ा ऐसे कर दो, इसको थोड़ा अंदर को कर दो, इनके बीच में 120 आ रहा था ना, तो ये तो प्लेन में है, एक ही प्लेन में, अगर इनको ना थोड़ा आउट ऑफ प्लेन ले, थोड़ा 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 थोड़ा, तो भी रिपल्शन तो कम हो सकता है ना थोड़ा, तो कहेंगे कि कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी स्ट्रक्चर आप लिखोगे, प्रॉब्लम ये होगी कि जो भी स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे ना, उसमें जैसे अपन ने लिखा ये बोरॉन लिखा, एल्यूमिनियम लिखा, कार्बन लिखा, अब भाई हाइड्रोजन तो तीन बॉन्ड बना नहीं सकता, ना हीलियम बना सकता है, ये है फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स। अब मैं ऑर्बिटल पे बाद में आऊंगा, लेकिन एक बार आपको ये पता चल जाए ना कि ज्योमेट्री क्या होता है और शेप क्या होता है, ऑर्बिटल के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, वो स्कूल में ही पूछेंगे अपन से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वो मैं आपको स्कूल वाला मेथड पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपन को स्कूल में अलग लिखना पड़ेगा, स्कूल में नहीं तो वो अपन को जीरो देने वाले हैं, वो स्कूल वाला पार्ट बताऊंगा ना कैसे। So, अपन क्या करेंगे, और वो कल सुबह, मतलब अपन अगर कल सुबह सारे आ गए तो अपन स्कूल वाला मेथड ही पढ़ लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं, पहले अपन केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखूंगा कल ही डिसाइड करेंगे अपन। अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन कहेंगे कि भाई ठीक है, जैसे मान लो अपन बोरोन की बात, इसी की बात कर लेते हैं, सेंट्रल एटम क्या है, बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, 2 and 3, तीन वाले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 p1, बॉन्डिंग सिर्फ इससे होगी, बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस शेल से होता है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अगर वैलेंस शेल से होता है तो 2s के कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोरोन के कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, अगर कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाएगा ना, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए ना, तो इसका मतलब है कि बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहे होंगे। अपन पेयर्स में लिखते हैं क्योंकि जनरली ऑर्बिटल पेयर्स, ऑर्बिटल में पेयर में होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपन क्या कहेंगे, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन, जितने बॉन्ड बने ना उतने ही इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, वो बॉन्डिंग में मैं बताऊंगा कैसे होता है। इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मैं 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड बना सकता हूं, बना दिया मैंने, अब 1 फ्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा, 1 फ्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा, 1 फ्लोरीन इससे बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अपन कहेंगे एक ऑर्बिटल तो खाली पड़ा हुआ है, तो इस ऑर्बिटल को भी अकोमोडेट करना होता है। अब वो खाली ऑर्बिटल जो है ना, ऐसे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अपन को इसको अकोमोडेट करना होता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल अकोमोडेट हो रहा है ना, वो ऐसे हो रहा है, देखो ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, और बीच में बोरोन,
जो वो खाली ऑर्बिटल है ना वो ऐसे था, इससे परपेंडिकुलर ऐसे दिख रहा था, खाली ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू दैट। तो ये जो खाली ऑर्बिटल था ना परपेंडिकुलर, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। मैं इसका स्ट्रक्चर एक दूसरे इसको ना दूसरे तरीके से दिखाता हूं। अपने पास ए है, ए फ्लोरीन इधर है, ए फ्लोरीन इधर है, आपको पता है ये मैं क्या कर रहा हूं। आपने इस स्ट्रक्चर को मुझे ऐसे दिखाया है, पहले आप इसको ऐसे दिखा रहे थे, अब आप इसको ऐसे दिखा रहे हो मुझे। एक बॉन्ड जब आप इसको ऐसे दिखाओगे ना तो ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ चला जाएगा, ये बोरोन था, ये एक बॉन्ड अंदर की तरफ चला गया। मतलब मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, अपन ऐसे कर लेंगे जैसे आप पहले अपन मुझे ऐसे दिखा रहे थे ना। ये ज्योमेट्री वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड करेगा। तो अपन क्या करेंगे, ये ऐसे था आपके पास, अब आप मुझे इसी स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा रहे हैं। मतलब एक बॉन्ड अंदर की तरफ, एक बॉन्ड बाहर की तरफ, एक बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में। तो यहां पर जो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल था ना, वो एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर था इससे। तो अगर ऐसे परपेंडिकुलर है ना एम्प्टी ऑर्बिटल, तो जब मैं उसको ऐसे दिखाऊंगा ना आपको, तो एम्प्टी ऑर्बिटल मुझे ऐसे परपेंडिकुलर दिखना चाहिए इससे, तो वो दिखेगा। तो वो परपेंडिकुलर ऐसे था, ये वो एम्प्टी ऑर्बिटल जो कि वहां एग्जिस्ट करेगा। और वो एग्जिस्ट करने की वजह से ही मैं तीनों को एक ही प्लेन में बता रहा हूं। और क्योंकि अब हमको एक बात बताया ना भाई, अगर मुझे बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है तो बॉन्डेड पेयर्स में ही कैलकुलेट किया जा सकता है, वो तो लिखा था आपने, बॉन्ड एंगल कैन बी ओनली कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स। इसलिए तो इसको लीनियर नहीं लिखा आपने, वरना मैं इसको लीनियर लिख सकता हूं, एक बॉन्ड है तो। अपन कहेंगे हमने तो उसकी ज्योमेट्री इसलिए एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि एक ही बॉन्डेड पेयर था, और मुझे बॉन्ड एंगल बताने के लिए कम से कम दो बॉन्डेड पेयर्स बताए। अच्छा, बॉन्ड एंगल नहीं बता पाएंगे तो ज्योमेट्री कैसे बताएंगे, समझ में आया। तो अपन ने यहां पर क्या किया, ये वाला, ये चारों एटम एफ और बी, ऑल फोर एटम्स आर इन द सेम प्लेन। तो वो कहां पर ऐसे क्यों आया, बिकॉज वहां पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे है जो हमें अकोमोडेट करना होगा। कि पता है कि जो भी यहां पर एग्जांपल ऐसे कार्बन और ये सब होंगे ना, इनमें एक एस ऑर्बिटल होगा और तीन पी ऑर्बिटल होंगे, आपको तीनों पी ऑर्बिटल को अकोमोडेट करना होगा। ठीक है भाई, ओके, मान लिया। ये वाला पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन है क्योंकि मैं बताऊंगा उसको स्कूल में, अपन को ऐसे ही लिखना होगा, लेकिन उसके लिए मैं डिटेल में बताता हूं भाई करना क्या। This is about that geometry of AB3 type molecule. अब मैं AB4 type molecule की बात करता हूँ। Fourth point है AB4 type molecule. AB4 type molecule में मैं ऐसे example लिख लेता हूँ भाई। AB4 type molecule के जो example होंगे ना, वो अपन ऐसे कर सकते हैं। AB4 है, जैसे CH4 है। फिर अपन लिख सकते हैं NH4 positive. मैं इसको इसका भी example बना सकता हूँ। वो एम्प्टी ऑर्बिटल था ना, उस एम्प्टी ऑर्बिटल में एक फ्लोरीन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। खाली पड़ा था ना ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूं ना उसमें, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ये लो भाई, ऐसे बना सकता हूं। फिर ऐसे बना सकते हैं अपन, उसके बाद अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज कोई दूसरे एटम पे लिख सकता हूं, इनमें कोई लोन पेयर नहीं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जैसे जैसे नंबर ऑफ मतलब अदर एटम इंक्रीज होंगे ना, सेंट्रल एटम ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा ना, तो वैसे वैसे मॉलिक्यूल के एग्जांपल भी बढ़ते हैं। जैसे यहां मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढने से एग्जांपल देने के, यहां भी थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन इसमें एकदम से बढ़ गया। तो अपन क्या करेंगे, अब चलो पहले अपन चेक करते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होगा ना वो ऐसे होगा, अभी CH4 बताया था मैंने, ए है, इधर भी होगा, इधर भी दो एक ही प्लेन में हो गए, तो एक आप ऐसे लिखोगे और एक आप ऐसे लिखो, इसको क्या बोलूं मैं। तो इधर जो बॉन्ड एंगल लिखा था ना अपन ने 109.28 मिनट्स, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके बताया मैंने। तो यहां पर सारे बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स थे, और स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसका स्ट्रक्चर ना ऐसे है, और इन सभी में जो बॉन्ड एंगल बन रहे हैं वो 109.28 मिनट्स बन रहे हैं बॉन्ड एंगल 109.28 minutes.
इसमें तुम बता सकते हो कितने 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल होंगे इसमें? हाउ मेनी 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन ए बी फोर मॉलिक्यूल? कितने प्रेजेंट होंगे? हाउ मेनी आर प्रेजेंट? सिक्स प्रेजेंट. थ्री भी आया, सिक्स भी आया. देखो भाई, कितना आया? मुझे भी सिक्स आ रहा है. ठीक है, ऐसे देखते हैं. पर वो सिक्स करेक्ट है. देखना, इसका ये इसके साथ वन, इसके साथ टू, इसके साथ थ्री. अब इन दोनों के बीच में भी तो होगा, ये दोनों के बीच में भी तो है. सभी सभी बॉन्ड एंगल एक जैसे है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है ना मॉलिक्यूल. अभी लोन पेयर आता है तो ही अनसिमेट्रिकल होता है, अदरवाइज मॉलिक्यूल सिमेट्रिक. तो अपन कहेंगे ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स. सिक्स हो गए. अब आपको समझ में आ गया कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है. सो देयर इज सिक्स. सो नंबर ऑफ 109.28 मिनट्स बॉन्ड एंगल is equal to 6 and this structure is called tetrahedral structure. Tetrahedral structure kya bolenge apan isko? Tetrahedral geometry bolenge isko. Acha, tetrahedral geometry kyu bolenge apan isko? To apan kahenge tetrahedral ka matlab ho gaya, tetra ka matlab hota hai 4. To iske 4 faces hai. Ye to banega ek triangle, bana na ek triangle aise. Aur niche wale jo 3 atom the na, इनसे एक ट्रायंगल बन जाएगा ना अपने पास. ऐसे ये एक ट्रायंगल बन गया इनको ज्वाइन करके, और ये ऊपर है. वो ट्रायंगल अपन लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे अब इसमें ना जो नंबर ऑफ फेसेस बने ना, तो एक फेस नीचे हो गया, एक फेस इन तीनों से बनाऊंगा मैं, ऊपर वाले से, इधर वाले से और इधर वाले से, और एक फेस मेरी तरफ में से, ऊपर वाले से, इन दोनों से, और एक फेस बनाऊंगा ऊपर वाला और इन दोनों पीछे वालों से. तो टोटल कितने फेस बने? 4. तो उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 4 फेस बने. एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया और एक बॉटम साइड से, तीन ऊपर की तरफ, मतलब एक पिरामिड जैसे हो गया ना. एक ट्रायंगल बनाया अपन ने और वो पिरामिड बना दिया, तो 4 फेस हो गए. वो 4 फेस होने की वजह से अपन उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप. समझ में आया? ठीक है ना? Yes. तो ये टेट्राहेड्रल शेप है. अब अपन आज यही रुक जाते हैं क्योंकि इसके बाद मेरी भी क्लास है 6:30 पे और तुम्हारी भी क्लास होगी. ठीक है ना? तो अपन स्टॉप कर लेते हैं रिकॉर्डिंग. और वो पहले